हाय गाइस, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग सिंपल टिप्स अन्वेषा। आज हम बात करने वाले हैं 10 हैक्स फॉर योर अंडर आर्म केयर। एंड ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि समर आने वाली है एंड दिस इज़ अ कंसर्न दैट ऑल वुमेन हैव। इस वीडियो में हम हिंदी में बात करेंगे, बट फॉर माई नॉन हिंदी स्पीकिंग व्यूअर्स आई विल हैव द इंग्लिश सब टाइटल्स, तो क्लिक ऑन सी सी प्लीज़। मैं पहली बार ऐसे अपने अंडर आर्म्स दिखा रही हूँ, मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा चांद जैसे गोरा हुआ निखरा हुआ तो नहीं है, खैर किसी की नहीं होती अनुष्का शर्मा जैसी, बट हाँ बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा मेरा, मैं जेन्युइनली कहूँगी इट हैज़ इम्प्रूव्ड। पहले और भी ज़्यादा डार्क एंड पिगमेंटेड होती थी, बट नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट बिकॉज मैंने ये हैक्स खुद पे ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ ये सारे हैक्स। ओके, सो प्लीज़ आप भी ध्यान से सारे हैक्स को लिख लीजिए बाकायदा, या फिर ये वीडियो को प्लेलिस्ट पे सेव करके रखिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टैकल करने वाले हैं स्वेट पैचेस के बारे में, अंडर आर्म एरिया स्किन डार्कनिंग के बारे में, हमारे यहाँ पर जो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाती है उसके बारे में, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको कैसे केयर लेना चाहिए, स्पेसिफिकली समर्स में जो ऑर्डर होती है उसको कैसे हम ठीक करेंगे, डील करेंगे, हम अपने हेयर रिमूवल कैसे करेंगे, 10 हैक्स टू टेक केयर ऑफ योर अंडर आर्म स्किन बिकॉज इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। हालांकि वो ऐसे इधर छुपी हुई रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस पार्ट को इग्नोर करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, प्लीज हिट द रेड सब्सक्राइब बटन एंड द बेल टिंग टिंग राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट यू स्टे नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोस। लास्ट तक डटे रहे क्योंकि 10th हैक इज द मोस्ट धासू हैक। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो लेट अस बिगिन द वीडियो। उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना टिप्पणी मेरे तरफ से, वो ये है कि एवरीबडी इज अंडर आर्म इज प्रॉब्लमेटिक। किसी का भी अनुष्का शर्मा जितना गोरा चिट्टा नहीं होता, वो ब्यूटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो एक्ट्रेसेस होती है, सेलिब्रिटीज होती है, उनका अलग होता है। हम जैसे आम इंसानों के लिए, आम आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। डोंट रन आफ्टर आइडियल, बट हमें केयर करनी चाहिए। जो आपकी ओरिजिनल स्किन टोन है बिल्कुल वैसी होगी, मे बी अ टैन बिट लाइटर। एंड लास्टली, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो हम इस वीडियो में सारे हैक जाके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट एंड नाउ लेट्स बिगिन। हैक नंबर 1 विच इज लाइफ चेंजिंग, वो है रोज नहाना और नहाने वक्त एक लूफा यूज करना, डेली स्क्रबिंग, ठीक है? जब आप एक बॉडी वॉश और लूफा यूज करते हो तो उस लूफे से क्या फायदा होता है कि आपके बॉडी यहाँ पर जो भी जितने भी डेड स्किन सेल्स है उसको हटा देते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया यहाँ पर जमा होती है स्वेट की वजह से, या फिर आपने डिओड्रेंट यूज़ किया, रोल ऑन यूज़ किया, ये जो लेयर बनती है ना उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके अंडर आर्म्स में स्मेल जो होती है ना, दैट गोस। तो ये सेकेंड, एक DIY डेली स्क्रब यूज़ करेंगे। आपने करना बस ये है कि एक ऑरेंज पील लेना है, उसको आपने दूध में, रॉ मिल्क में डुबा के रखना है कुछ देर के लिए, उसके बाद बस अपने अंडर आर्म्स में उसको स्क्रब करना है। ये भी आपके अंडर आर्म्स को स्मूथ एंड क्लीन करेंगी। जो अच्छा थर्ड हैक ये है कि रात को सोते वक्त ये आपके अंडर आर्म्स में जितने भी स्वेट, डस्ट, डर्ट, डिओड्रेंट, रोल ऑन जो भी है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे जो धांसू ट्रिप है, इट विल ऑल्सो रिमूव द डार्कनेस एंड पिगमेंटेशन। आपको बस चाहिए लिस्टरिन, जो माउथ वॉश है वो चाहिए। आप लिस्टरिन एक कॉटन पैड में लेके अपने अंडर आर्म्स को वाइप करेंगे। दिस इज वॉट यू शुड डू एवरी नाइट बिफोर बेड। प्लीज स्लीवलेस पहन के रात को सोइए, योर अंडर आर्म्स नीड टू ब्रीथ। पूरा टाइम ऐसे चिपके रहते हैं तो स्वेटी हो जाती है, इसको ब्रीथ करने का मौका नहीं मिलता। एटलीस्ट रात को कोशिश करें स्लीवलेस पहन के सोए। रिमूवल मेथड्स की फ्रॉम योर अंडर आर्म्स, मैं जो प्रेफर करती हूँ अपने अंडर आर्म्स के लिए स्पेसिफिकली, वो है वैक्सिंग, वो है रीका चॉकलेट वैक्स। क्योंकि मेरी बाकी स्किन में शेविंग बहुत आराम से हो जाती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अंडर आर्म्स में मुझे बहुत दिक्कत होती है। इनग्रोन हेड की प्रॉब्लम है, स्किन मेरी यहाँ पर बहुत सेंसिटिव है, मेरे जो बाल वापस आते हैं वो बहुत हार्ड हो जाते हैं, इसी वजह से मैं वैक्सिंग प्रेफर करती हूँ। वैक्सिंग अगर मैं पार्लर में नहीं करूँगी तो कभी कभी घर पर भी नॉर्मल वैक्स लेके, मैं स्ट्रिप्स लेके वैक्स कर देती हूँ। बहुत लोगों को शेविंग एकदम आराम से सूट होती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, उनकी स्किन एकदम परफेक्ट रहती है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड सी कि आपके स्किन के लिए क्या सूटेबल है। और बहुत लोग सिर्फ अंडर आर्म स्पेसिफिक लेज़र हेयर रिमूवल भी करते हैं, जो कि ऑफकोर्स एक्सपेंसिव है, बट यू नो हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। आपको कौन सा हेयर रिमूवल सूट करेगा वो कम्प्लीटली आपके बजट के ऊपर और आपके स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हैक इज़, अभी समर आ रही है, प्लीज़ प्रेफर करेंगे हम कि जितना हो सके कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे, क्योंकि जितना हम लाइनन, सिल्क, ये सब कपड़े पहनेंगे उतना ज़्यादा हमें स्वेटिंग होगी और उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन, स्वेट पैचेस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्रिएट होगी। सो जितना हो सके कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे टू अवॉइड स्वेटी पैचेस एंड ओडर ऑल्सो। यू नो मैं यूज़ करती हूँ रोल ऑन, बहुत लोग डिओड्रेंट भी यूज़ करते हैं, बट जिनको ये सूट नहीं करती उनके लिए बहुत अच्छा नेचुरल डिओड्रेंट्स है, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ओके, एसेंशियल ऑयल्स, खास करके टी ट्री एसेंशियल ऑयल, थोड़ा सा अगर आलमंड ऑयल के साथ मिक्स करके आप अप्लाई करेंगे तो इट्स अ ग्रेट
DIY deodorant and बहुत लोग hand sanitizer को भी use करते हैं as a natural deodorant. Of course बाहर से आप कितना भी detox कर लो, कितना भी deodorant, perfume, roll-ons use करो, कितने भी आप नहा लो, कुछ भी कर लो, scrub कर लो, फिर भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वो इसलिए क्योंकि आप internally अपने body को detox नहीं करते हो. जितना भी messed up आपकी digestive system या gut रहेगी उतना problem आपको odor की होगी. Have detox drink like lemon water, you know, apple cider vinegar and stuffs like that. ज़्यादा जंक फूड मत खाओ, यू नो, हैव हेल्दियर ऑप्शन. एंड द लास्ट बेस्ट हैक जिसके लिए आप अभी तक डटे हुए हो वो है स्वेट पैचेस के लिए. नाउ बहुत बार होती है कि हम बाहर समर्स में जब जाते हैं तो स्वेट पैचेस हमारे अंडरआर्म्स में दिखती है, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉर्मल, सबको ही होती है, इट्स नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. बट कभी कभी होती है कि इवेंट्स में गए हैं, शादी में, पार्टी में, या मीटिंग्स में, या कॉलेज में, यू नो, टीनेजर्स के लिए, या फिर जनरली फॉर एवरीबडी. इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जिम में वर्कआउट करो, स्वेट करो, दैट इज़ अमेजिंग, यू शुड स्वेट. बट मे बी किसी पार्टी में गए हो एंड यू आर नॉट कम्फर्टेबल, ओके, विद दो स्वेट पैचेस, समझ में हो जाती है, खास करके जब ह्यूमिडिटी होती है. नहीं है पैंटी लाइनर, दिस विल सेव यू फ्रॉम स्वेट पैचेस. आपको बस इस चीज़ को स्टिक ऑन करना है अपने अंडरआर्म एरिया में, अपने टॉप पे, तो क्या करेगी ये चीज़, एब्जॉर्ब कर लेगी स्वेट को और स्वेट पैचेस नहीं होंगे. सो इफ यू लाइक दिस हैक्स प्लीज़ इसको अप्लाई कीजिए डेली लाइफ में. मैंने खुद चेंजेस देखे हैं अपने अंडरआर्म्स में. हाँ ये भी बता दो, जो ये हैक्स है ये ऐसा नहीं कि एक दिन करोगे और 10 दिन में गायब, नहीं, ये टाइम लगती है, थोड़ी बहुत सीरियसली टाइम लगती है, एटलीस्ट 1-2 महीना दो ये हैक्स फॉलो करो, आप खुद हैरान हो जाओगे इसका डिफरेंस देख के. खास करके हेयर रिमूवल मेथड पर खास करके ध्यान देना, ठीक है, कि आपको कौन सा सूट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अंडरआर्म डार्कनेस एंड अंडरआर्म केयर, ठीक है. नाउ प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर इट उन लोगों के साथ जिनको सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है. लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा हैक आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा आपने यूज़ किया है, और आपके भी क्या क्या विचार राय है मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ. एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर एवरी प्रोडक्ट डिटेल एंड एवरीथिंग. मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय.